हेलो, दिस इज साक्षी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है जिग्नेश जोशी और ध्रुविन शाह, जो कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के कंटेस्टेंट अविनाश सचदेव के काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो हम उनसे जानते हैं कि अविनाश सचदेव को वो पहले भी कई सीरियल्स में, कई रियलिटी शो में देख चुके हैं, लेकिन अब बिग बॉस में देखकर उनको कैसा लग रहा है और अविनाश की जर्नी उनको कैसी लग रही है। तो ध्रुविन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अविनाश के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, उनको कई सालों से जानते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है उनको बिग बॉस में देखते हुए? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड, और जो भी वो कर रहा है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली, आई विल एको द सेंटीमेंट व्हाट एवर ध्रुविन हैज सेड, कि हम उनको सीरियलों में तो देखे ही हैं, बट हम उनको रियल लाइफ में बहुत अच्छे से देखा है हमने उनको। और जैसा वो रियल लाइफ में हैं, जितने अच्छे से मैच्योर्ड पर्सन हैं वो, वही मैच्योरिटी वो बिग बॉस के हाउस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वंडरफुल टू सी। तो जब अविनाश ने ये डिसीजन लिया था कि मैं बिग बॉस में जा रहा, तो आपसे शेयर तो किया होगा बातें, तो आपका क्या मतलब रिएक्शन था कि उनको जाना चाहिए? मैं बहुत एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड था। रीज़न बीइंग, खुद एक बिग बॉस का फ़ैन रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ, तो जब अपना कोई खास, मेरे लिए भाई है वो, तो जब अपना भाई जाता है अंदर, तो हमें जो वो प्राउड फीलिंग होती है, एंड इट इज़ सुपर एक्साइटमेंट होता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड ही इज़ डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही फील्स लाइक डूइंग। ही इज़ एक्टिंग वेरी मैच्योर्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम देयर। तो आप उनके जर्नी के बारे में क्या बताएंगे, कि मतलब आप उनके काफ़ी करीबी से जानते हैं, वो कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं, तो उसके बारे में शॉर्ट आपका कुछ मेमोरीज रहा उनके बारे में? ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी जर्नी जो है, इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। उन्होंने जो भी रोल्स किए हैं वो बहुत खूबसूरत रोल्स किए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनकी परफॉर्मेंसेस को और उनके सारे सीरियल्स को ना फैंस ने बहुत पसंद किया है। पिछले 3-4 साल से शायद वो किसी सीरियल में नहीं आए होंगे, फिर भी उनकी फैंस का जो प्यार है वो बरकरार है। मतलब सो मच सो दैट आई एम ऑल्सो एन एक्टर, बट उनके बहुत सारे फैंस जो है ना, वो मुझे भी मैसेज करते हैं फॉर हिम। सो ये एक इंसान की, एक एक्टर की एक सच्ची कमाई है। सो हिज जर्नी हैज़ बीन वेरी ब्यूटिफुल, एंड एज फार एज हिज पर्सनल लाइफ इज़ कंसर्न, ही इज़ अ वेरी स्टेबल जेंटलमैन, बहुत ही स्टेबल है। उतार चढ़ाव हर एक की लाइफ में होते हैं, उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे हैं, करियर में बोलो या पर्सनल लाइफ में, बट ही नोज हाउ टू हैंडल एवरीथिंग ब्यूटिफुली। सो दैट इज दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रीट फॉर ऑल द फैंस स्टेटिंग कि भाई आज उन्होंने बिग बॉस एक रियलिटी शो किया है, जबकि आज से पहले आपने उसको सिर्फ एज एन एक्टर, बतौर एक्टर देखा है। आज हम रियल अविनाश सचदेव को देख रहे हैं, जो एक एक यू नो, एक फ़ैन को हमेशा एक ज़रूरत होती है कि मैं मेरे जो मैं जिसका फ़ैन हूँ, मैं उसको रियल लाइफ में देखना चाहता हूँ। तो बिग बॉस इज़ एग्जैक्टली द प्लेस वेयर ऑल द फैंस आर लविंग हिम, दैट इज़ द रीज़न यू सी पीपल आर वोटिंग फॉर हिम, वाउचिंग फॉर हिम। So I guess this is exactly a treat for the fans. ये था रियलिटी शो या फिर जो पहले वो कर चुके हैं सीरियल के, लेकिन बिग बॉस में आपको उनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, क्या वो उस प्रकार का टक्कर दे पा रहे हैं लोगों को? 100% मुझे तो ऐसा लग रहा है, 100% I am very happy कि वो एक मैच्योर्ड इंसान दिख रहे हैं, वो एक तरीके से है वैसे उसी जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। कोई अलग, कोई भी बंदा, एज आई पहले भी मैंने कहा कि कोई भी बंदा एक दिन फेक बन सकता है, दो दिन फेक बन सकता है, बट हमेशा, एंड वी आर सीइंग हिम फॉर लास्ट 25 days नाउ, इनफैक्ट ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, तो आदमी चेंज नहीं हुआ है, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। आप क्या कहेंगे, आपको उनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है और उनके कॉम्पिटिटर्स आपको कौन? यार मैं आपको सच बात बताऊँ तो उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। वी हैव बीन सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एंड इट्स अ फैक्ट, विच इज़ वाई वी आर सेइंग द सेम थिंग अगेन, कि जो वो रियल लाइफ में है वही वहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एज ध्रुविन वेरी राइटली सेड कि अभी दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फैंस टू सी हिम अप क्लोज एंड पर्सनल। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि ये बंदा जिसको हमने इतनी सीरियस में देखा है, ये रियल लाइफ में कैसा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन इंसान का अपने साथ में होता है, तो मैंने कहा कि मैं तो 1, 2, 3 में वन अविनाश, सेकंड अविनाश, थर्ड अविनाश देखता हूँ, बट देर आर, देखिए, लेट्स गिव ड्यू क्रेडिट टू ऑल दी अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो, एंड मुझे लगता है कि जब ये कोई भी ऐसा, एट द एंड ऑफ द इट्स अ गेम शो, व्हेन इट इज़ मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव, तो उसका और ही मज़ा है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल बुके ऑफ अ लॉट ऑफ गुड पीपल एंड सम वियर्ड पीपल, बट दैट्स बिग बॉस। किसी एक का नाम लिए तो आपको क्या लगता है? मैंने ये कहा है कि अगर अविनाश को मैं नंबर वन देखता हूँ, तो भाईचारे में मैं बताऊँगा कि अभिषेक इज़ अ गुड टफ कॉम्पिटिशन।
लेकिन ऐसा क्यों अभिषेक, तुम से काफी क्लोज भी है? हाँ, तो वही तो होता है। आपने अगर देखा हो पिछला सीजन भी दो बेस्ट फ्रेंड्स वर ऑन टॉप। यस, सो सिमिलरली येट अगेन टू बेस्ट फ्रेंड्स कुड बी ऑन टॉप। देन देयर वाज सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन जिसमें टू एनिमीज वर ऑन टॉप। नो, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स देन एनिमीज देन अगेन फ्रेंड्स, सो व्हाटएवर, वो दे वर देयर। अभिषेक और उसकी लड़ाई भी होती है और दोस्ती भी वैसी है, तो वही हम देखना चाहते थे, तो वही मजा आ रहा है देखने में। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ये भी देख रहे हैं कि उनका क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ रहा है फलक के साथ, तो उस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया था कि फलक आई लाइक यू, जिससे लोग अलग ही वे में ले रहे। आई वुड से एक बॉन्ड बनता है, एज आई सेड, कि आप अगर 24 घंटा किसी के साथ रहते हो, हर बात वो सुनता है, आप उनकी बात सुनते हो, तो एक नॉर्मल बॉन्ड बनता है, एक लाइकिंग बनती है। और एक लाइकिंग के लिए अगर आप, मैं किसी को बोलूं कि मैं आपको पसंद करता हूं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग टू से समवन दैट यू नो, इवन इफ इट्स अ गर्ल और अ बॉय, कि भाई मैं तुझे पसंद करता हूं जिस तरह से तू है। शायद उसने एक लड़की को बोला इसके लिए, वो चीज़ को आपने बहुत अलग एंगल दिया है, बट उसने एक बहुत नेचुरल तरीके से बोला है दैट आई लाइक यू। ओके, जो भी होगा, वील सी दिस इन द नेक्स्ट 4 वीक्स मे बी, शायद बाहर अगर ये चीज़ बनती है तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, तो वो चीज़ दिखेगी जरूर। ओनली वी कैन वेट एंड वॉच। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बात कही इसने कि लड़की ने को बोला है तो वो ठीक है। अब जैसे आपने थोड़ा सा रोमांस दिखा होगा अवी का और जाट का भी, वायर ही सेज आई लव यू आई रिस्पेक्ट यू, रोया भी है, वो रोए भी हैं, तो वो भी तो एक बॉन्ड है ना। सो सिमिलरली बॉन्ड होता है एक रिस्पेक्ट, एक प्यार मोहब्बत जो होती है वो ऑन अ प्लेटोनिक लेवल, वो लड़की के साथ में भी हो सकती है, लड़के के साथ में हो सकती है, दैट्स दैट। लेकिन देखा जा रहा है कि अविनाश को अभी डेंजर जोन में रखा गया है, वो एलिमिनेट भी हो सकते हैं और साथ ही उनको कैप्टेंसी का भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो बचेगा, ही इज अ टॉप वन, आई टोल्ड यू ही इज विनिंग द शो, देयर इज नो, you know, there's no two ways about it. It's okay, danger zone में हर एक बंदा है, so ऐसा क्योंकि danger से खेलते खेलते जीतने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो वो already 3 बार nominate हो चुका है, फिर भी safe है, तो I am surely seeing him as a winner of Big Boss. Nothing, I cannot even think. अगर जो आप मुझसे कितना भी पूछो कि वो danger zone में last week तक भी रहेगा, he is still winning the show. There's no two ways about लेकिन अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। अभी हाल ही में जो उनकी एक्स है पलक, वो भी उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगा रही कि उन्होंने चीट किया है। उन्होंने कहा है कि वो अविनाश सचदेव नहीं, अविनाश झूठ देव है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? वो कितनी सच है या फिर अविनाश कितने सच है? मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, अभी झूठ नहीं बोल रहा, जो झूठ बोल रहा है वो दिख जाए। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये आप सबको जग जाहिर बात है कि दो लोग, चाहे वो दो पक्के दोस्त हों, चाहे वो लवर्स हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, दो लोगों के बीच जो घटित होता है वो उन लोगों को सॉल्व करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी इज अ जेंटलमैन, वी आर जेंटलमैन, वी आर जेंटल पीपल, एंड वी नो, वी डू नॉट बिलीव इन यू नो मड स्लिंगिंग। सो सिमिलरली हम यही कहना चाहेंगे कि जब अभी बाहर आएगा वो इन सारे सवालों का जवाब देगा, एंड दैट इज़ वॉट ही वुड वॉन्ट आइडियली। तो ये थे जिग्नेश जोशी और ध्रुवीन शाह, जो कि अविनाश सचदेव के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और वो भी चाहते हैं कि वो जल्द ही जल्द फाइनलिस्ट बने और बिग बॉस OTT सीजन 2 का ट्रॉफी अपने नाम ले जाए।